हाँ भाई, आज हम प्लस टू फिजिक्स यूनिट नंबर थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, आज इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट का डिपेंडेंट अंडर द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कंडक्टर अंडर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं या लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखो, ये कंडक्टर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये कैसा नेगेटिव करंट आने से अंदर से निकल जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रॉन है, और जो इस साइड में जो चल रहा है वो कितनी स्पीड के साथ चल रहा है, मान लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए कंडक्टर इज मूव, तो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच में जो एंगल होता है कितने का है, थीटा। यहाँ से यहाँ तक के कंडक्टर की जो लंबाई है वो कितनी है, एल स्क्वायर, ये एल लेंथ है कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, इसके अंदर एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तो इसके अंदर आप मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालेंगे भाई, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इनटू द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, दैट इज इक्वल टू द टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। हम ये कंसेप्ट लगाएंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, देन फोर्स ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ रखा है, एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, वी वेलोसिटी चल रहा है किसके अंदर में, मैग्नेटिक के अंदर में, तो कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे क्यू किसके बराबर है, ई के बराबर, यह है इन मैग्नेटिक, इन मैग्नीट्यूड, बाकी क्यू जीवन को माइनस ही होता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इन मैग्नीट्यूड। और वी किसके बराबर है, वृद्धि के बराबर, सो एफ एम इज इक्वल टू ई वी डी बी साइन थीटा। ये एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर, ठीक है, जिसका मैं जिसके ऊपर चार्ज ये है और जिसकी स्पीड कितनी है वी डी, तो वो एक इलेक्ट्रॉन से उसका फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके अंदर, ये देखो एंड टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इनटू में वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होता है इज इक्वल टू ए इंटू एन, ए का मतलब एरिया ऑफ कंडक्टर और एल का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर। कोई कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए और उसका लेंथ कितनी है एल, और एन स्मॉल एल का मतलब होता है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री
इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दी कंडक्टर। ठीक है, इसके अंदर ये नंबर डेंसिटी है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो n का मतलब है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी कह सकते हैं। तो n इज इक्वल टू हो गया हमारा n इनटू a, ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। सो टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर, ऑन कंडक्टर ये जी कितना हो जाएगा, F is equal to FMA into N, यानी force experienced by its free electron into the total number of free electron। तो FMA तो पीछे हमने कर रखा था, ये होता है E VD B sin theta, ये value यहाँ put कर दो sin theta, ये put कर दो यहाँ पर, तो ये होगा E VD B sin theta into N, N कितना है n इनटू a। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, फार्मूला पड़ेगा f इज इक्वल टू n इनटू a vd और l v sin theta। मैंने क्या किया इसमें n e a vd एक साथ कर दिया, अब ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गया, तो एफ इज इक्वल टू हो गया आई आई एल वी साइन थीटा या आई एल वी साइन थीटा, ये है मैग्नेटिक फोर्स या लोअर है मैग्नेटिक फोर्स, ये हमें प्रूव करना है। मैग्नेटिक फोर्स एक्स एक्सपीरियंस बाय करने का रिकंडक्टर, इसमें मैं बता देता हूं जो एल है और बी है यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों में से कॉमन लेंथ कौन सी है, जैसे सपोज करो कंडक्टर की लेंथ है 1 मीटर और मैग्नेटिक फील्ड है 1/2 मीटर, तो इसका मतलब जो कंडक्टर की लेंथ है वो 1/2 मीटर लेंगे, या मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो 2 मीटर है और कंडक्टर की लेंथ है वो 3 मीटर, तो कंडक्टर की जो लेंथ है वो कौन सी लेंगे, वो लेंगे क्या नाम मैग्नेटिक फील्ड की जो लेंथ है 2 मीटर। मतलब कहने का मतलब है जो कंडक्टर की आप लेंथ ले रहे हो ये शुड बी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर वाली लेंथ लेनी है, यदि लेंथ ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है वो कम वाइड है उसकी लेंथ कम है, तो हम शॉर्ट लेंथ लेते हैं, मतलब जो इतनी लेंथ लेते हैं कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बाहर वाली लेंथ नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर ये हो जाएगा आपका एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर आप कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म में एल क्रॉस बी, ये वेक्टर फॉर्म है, ये कौन सी है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, और यहां पर है हेयर आई इज इक्वल टू एन ई ए यूनिटी, ये हमने पीछे कर रहा है सेकंड यूनिट के अंदर है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, नंबर ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ए इन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर और विंडी का मतलब ट्रेड चार्ज ऑन इनसाइड द कंडक्टर। अब इसकी जो डायरेक्शन होती है यानी ये जो है एफ है वो आई एल से परपेंडिकुलर जो करंट एलिमेंट बोलते हैं और फील्ड से परपेंडिकुलर, लेकिन पैरेलल किससे आई एल और जो ये करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड है उसके क्रॉस प्रोडक्ट है उससे पैरेलल। तो डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, एंड डायरेक्शन ऑफ एफ इन मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फाइंड आउट बाई फ्लेमिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल यानी मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है हम किससे निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से और राइट हैंड पाम रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और पाम रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैं वैसे बता देता हूँ आपको, ये जैसे ये हमारा लेफ्ट हैंड है तो इसके अंदर जो फर्स्ट फिंगर है ये और ये सेंट्रल फिंगर है और ये थंब, तीनों तीनों बीच और परपेंडिकुलर आप
पास, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट फिंगर किसको इंडिकेट करती है मैग्नेटिकल की डायरेक्शन, सेंट्रल फिंगर किसको इंडिकेट करती है करंट की सेंस को या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को, और थंब किसको इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। इसके स्पेशल केस अगर तो थीटा कब होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 है तो 180 है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा कंडक्टर के ऊपर 0, और यदि 90 है तो क्या होगा मैक्सिमम। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर अंडर मैग्नेटिक फील्ड। और ये बता देता हूँ आपको, ये फोर्स कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करता है, वो इसलिए एक्सपीरियंस करता है क्योंकि इसमें दो फील्ड होती है, एक तो एच होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम बी लिखते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एक है कंडक्टर उसमें कट जाएगा तो फील्ड में तो होगी वो इंटरनल फील्ड कह सकते हैं। तो दो फील्ड हो जाती है, एक तो करंट की वजह से फील्ड और एक एक्सटर्नल फील्ड, दोनों आपस में क्या करती है इंटरेक्शन करती है, और इंटरेक्शन करते हैं उसकी वजह से वो कंडक्टर हो क्या एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फोर्स या लोरेंट्ज़ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसके अंदर तो ये था, अब इसके बाद में एक और आगे का टॉपिक करवा देता हूँ मैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, थिन लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, और उसके अंदर दोनों क्या एक दूसरे से पैरेलल है, तो उनके बीच में कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा वो आपको बताएं। तो इसके दो केस बनते हैं, केस फर्स्ट में व्हेन करंट फ्लो इन सेम डायरेक्शन, जब करंट किसी फ्लो रहा हो करंट फ्लो इन सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा हो तब क्या होगा, तब पता है देखिए ये लॉन्ग कंडक्टर है, थिन लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर का नाम मान है दूसरे का से, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है आर डिस्टेंस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस में कौन है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और इसमें करंट फ्लो क्या हो रहा है आई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर इस कंडक्टर इसमें करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है तो राइट हैंड थंब को कुछ निकालते हैं, तो थंब किसको इंडिकेट करता है, थंब इंडिकेट करता है करंट के सेंस को, और कर्ली फिंगर किसको इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और उसके किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, देखो करंट ऐसे जा रहा है यहाँ पर निकालनी है तो ऐसे इन टू द पेज, ऐसे इन टू द पेज, यहाँ पर जो फील्ड होगी इस तार की वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगी वो इन टू द पेज होगी, अगर उसका जो निशान होता है इन टू द पेज होता है, इन टू द पेज मानी ऐसे इस तरह से अंदर, और यहाँ पर फील्ड का फार्मूला होगा म्यू बी वन इक्वल टू म्यू नॉट आई वन अपॉन में टू पाई, ये हमारा मैथमेटिकल फार्मूला आपको पता है, एम्पीयर सर्किट लॉ में भी आपने कर रखा है, बार्ड फॉर्मूला आपने भी कर रखा है, थिन इनफिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से आर डिस्टेंस का जो फील्ड होता है उसका फार्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में टू पाई, ठीक है। तो ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड है ये दूसरे यानी इसकी वजह से जो फील्ड है वो इसके ऊपर, तो ये एक्सटर्नल फील्ड होगी सेकेंड वायर के लिए, इसकी जो फर्स्ट वायर की वजह से फील्ड है वो एक्सटर्नल होगी, अब इसकी वजह से फील्ड पर जा रहे हैं, जब ये ऐसे करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी ऐसे करेंगे ये बाहर की तरफ होगी, तो इस तार की वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगी वो आउट ऑफ द पेज होगी, सिंपल होगा आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ पेज मानी आपकी तरफ इस तरह से ये आउट ऑफ द पेज होगी, तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा बी वो किसकी वजह से बी टू, और इस तार की वजह से फील्ड है यहाँ पर, तो बी टू इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टू अपॉन में टू पाई, ये हमारा मैथमेटिकल फार्मूला होगा, ठीक है। तो यानी बी टू जो फील्ड है वो इसके लिए एक्सटर्नल है और बी वन है वो इसके लिए, यानी यदि दोनों तार है ये दोनों तार फील्ड पैदा करेंगे, लेकिन कोई भी वायर होता है खुद के ऊपर खुद की फील्ड जीरो होती है, इसलिए ये जो इस तार के लिए जो एक्सटर्नल फील्ड है वो इसकी वजह से, और इस तार के ऊपर जो एक्सटर्नल फील्ड है वो उसकी वजह से, ठीक है। चलो अब मैं एक फोर्स की डायरेक्शन के साथ साथ निकाल देता हूँ, देखो फील्ड किधर है बाहर की तरफ है, करंट कैसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगा पहले शायद लगेगा, तो ये फ्लेमिंग लेयर में कुछ भी डायरेक्शन बन जाएगी, ये डायरेक्शन होगी ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी तार के ऊपर, ये वायर किसकी तरफ ऊपरेगा सेकेंड वायर की तरफ, ठीक है। आप इसमें देखो फील्ड किधर है नीचे की तरफ, ये ऐसे देखो फील्ड ये फील्ड नीचे की तरफ ऐसे नीचे की तरफ, करंट कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ ऐसे, तो इसका मतलब फोर्स किधर लगेगा इस साइड की तरफ, ये मैग्नेटिक फोर्स, इसका मतलब है फर्स्ट वायर है वो सेकेंड वायर की तरफ जाएगा, सेकेंड वायर वो अट्रैक्ट होगी, यानी आप जैसे इसको
करेगी अट्रैक्ट। कौन सा फोर्स होगा जो कि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स, कौन सा फोर्स हो गया अट्रैक्टिव फोर्स, यानी दो पैरेलल करंट का एक कंडक्टर है और उनको यदि हम रिलीज कर देते हैं तो दोनों तारे एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब आगे करते हैं देन, अब हमें फोर्स पर लेंथ निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर फर्स्ट, ये कितना है कितना फोर्स हो जाएगा एफ वन इज इक्वल टू बी टू और आई टू, इसमें कौन सा निकालना है, इसमें फर्स्ट को निकालना है तो आई वन और करंट लाइन की बात करूँ और थीटा कितने का 90 का एंगल, मतलब कितने का एंगल 90 का, तो करंट एलिमेंट इसकी डायरेक्शन पर एक तरफ फील्ड बाहर तरफ कितने का एंगल है 90 का, करंट लाइन की बात कर रहा हूँ, इसका इस साइड में लेंथ है, साइड में लेंथ से डिवाइड करते हैं तो ये ना लेंथ लेंथ से डिवाइड होने बचे तो करंट लाइन के इसलिए बना दिया ठीक है। तो एफ वन इज इक्वल टू हो गया बी टू इनटू आई, अब बी टू किसके बराबर है, बी टू इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टू अपॉन में एफ वन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन में टू पाई आर, इसका मतलब है फर्स्ट वायर है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन किसके अंदर आएगा न्यूटन पर मीटर, ये बता रहा था सिंपल फोर्स नहीं है, दिस वन इज फोर्स पर मीटर, इसलिए मैंने न्यूटन पर मीटर लिख दिया ठीक है, इसलिए आप आर्टिकल ले रखा है क्योंकि पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं, सॉरी सेगमेंट एच डैश एच डिवाइड कर रखा है सेगमेंट में रखा है, तो ये तो फर्स्ट वायर है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब हम क्या क्या करेंगे, अब सेकंड वायर करेंगे, अब सेकंड वायर में हम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, अब है एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स फ्रंट लेंथ, फोर्स फ्रंट लेंथ ऑन कंडक्टर साइड, कंडक्टर साइड दूसरा वाला ठीक है, तो कितना हो जाएगा एफ टू इज इक्वल टू बी वन, क्योंकि खुद के ऊपर खुद की फील्ड जीरो होती है, इसलिए पहले वायर में जो फील्ड होगी वो एक्सपीरियंस करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा, तो बी वन करंट आएगा एफ टू, करंट लेंथ की बात कर रहे हो वन हो गया इन टू में वो एंगल कितने का है 90, और आपको पता साइन 90 कितना होता है, तो एफ टू इज इक्वल टू क्या हो गया बी वन इन टू में, और बी वन किसके बराबर है बी वन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन अपॉन में टू पाई आर, फार्मूला बन गया म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन में टू पाई आर, इसका मतलब है दोनों वायर है वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहे हैं सेम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, डायरेक्शन अलग अलग मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का सेम, सो एफ वन इज इक्वल टू एफ टू इज इक्वल टू एम म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन में टू पाई आर, यानी किसके अंदर टू पाई आर, टू पाई आर इन मैग्नीट्यूड, किसके अंदर है इन मैग्नीट्यूड में, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, बट एफ वन इज इक्वल टू माइनस एफ, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की नेगेटिव साइन का मतलब है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मतलब है कि किसको सपोर्ट करता है, इट मीन इट इज ए सपोर्टिंग ऑलरेडी न्यूटन से थर्ड इज मोशन, इट मीन इट इज इट मीन इट इज ओबे न्यूटन थर्ड लॉ इन मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ इन मोशन, मोशन के अंदर जो न्यूटन का थर्ड लॉ उसको अगर एक्शन रिएक्शन इक्वल बटा प्रोजेक्ट देखो, तो इसका मतलब मैं आपसे कहूँ मेरे फर्स्ट वायर है वो एक न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एक न्यूटन पर मीटर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो सेकंड वायर कितना करेगा, इतना करेगा, लेकिन वो किसमें करेगा ये प्लस में, तो किसमें करेगा माइनस के अंदर करेगा ठीक है, तो ये केस था फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब है जब करंट की सेंस सेम हो, तो करंट की सेंस सेम हो तो वो क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, तो वो क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं ठीक है, लेकिन जब करंट की सेंस अपोजिट है तो क्या सेम सेंस है, अपोजिट सेंस भी हो सकती है,
अपोजिट सेंस हम क्या जोड़ेंगे, के सही, तो भी सेंस के सही, व्हेन करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन की बजाय किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये हो गया एक कंडक्टर आई वन इस माइन, ये फर्स्ट कंडक्टर है, कौन सा है सेकंड कंडक्टर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है इनफाइनाइट, फाइनाइट मतलब दोनों एक दूसरे के फील्ड के अंदर है, अब फर्स्ट वायर करंट ऐसे जा रहा है, फील्ड कैसे होगी यहाँ पर इन टू द पेज होगी बिल्कुल पीछे किया जा रहा है, बी वन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन अपॉन म्यू नॉट वाई, हो गया। अब देखो इसके अंदर करंट जा रहा है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, करंट नीचे की तरफ, उसमें ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था आउट ऑफ द पेज होगा, लेकिन उसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा इन टू द पेज होगी, क्या होगा इसके अंदर भी इन टू द पेज, क्यों, क्योंकि इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए, ठीक है। अब ऐसे राइट हैंड कंप्यूटर से करा दो ना ऐसे, तो इसमें अंदर की तरफ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बी टू इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टू अपॉन म्यू टू आई, हो गया फार्मूला। अब इसे फोर्स निकाल लो, फोर्स कैसे करेंगे, फील्ड किधर है नीचे की तरफ, करंट कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ, देखो ये फील्ड है ऊपर की तरफ जा रहा करंट, फील्ड नीचे, फोर्स कहाँ लगेगा बाहर की तरफ, ये फॉर्म फोर्स हो गया, उस पर देखो फील्ड किधर है, फील्ड है नीचे की तरफ, करंट कहाँ जा रहा है फिर इनको भी पेज करके चेक कर जाए, तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जैसे हम रिलीज करेंगे वायर्स को तो ये क्या करेंगे एक दूसरे से दूर जाएंगे, पास को आएंगे, अट्रैक्ट को आएंगे, दूर जाएंगे, इसलिए कौन सा फोर्स होगा रिपेल्सिंग फोर्स, दोनों वायरों के बीच कौन सा फोर्स डेवलप हो जाएगा रिपेल्सिव फोर्स, ठीक है डायग्राम हो गया। अब इसको देखना तो देन फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर, कंडक्टर कौन सा कंडक्टर, कंडक्टर फर्स्ट इज गिवन बाय कितना हो जाएगा एफ वन इज इक्वल टू बी टू आई वन इंटू वन, अभी भी हमने क्या सेम ऐसा कर सकते, ये बस इसमें क्या है सेम ऐसा कह रहे थे, लेकिन उसमें रिपेल्सिव था सॉरी अट्रैक्टिव था, इसमें क्या हो गया रिपेल्सिव, उनमें डायरेक्शन क्या थी उसमें ये यहाँ पर तो थी इन टू द पेज, उसमें उसमें क्या थी पहले वाले केस में आउट ऑफ द पेज, इसमें दोनों ही क्या है इन टू द पेज, ठीक है। तो ये हो गया और बी वन किसके बराबर होता है, बी वन यहाँ पे ये देख लो बी वन एफ वन इज इक्वल टू सॉरी बी टू, बी टू किसके बराबर है म्यू नॉट आई वन आई टू पहले वाला वायर कौन से एक्सपीरियंस कर रहा है, अब सेकंड वायर फिर क्या होगा म्यू नॉट आई वन
आई टू अपॉन में टू पर दे आर, ये इन मैग्नीट्यूड में, इन मैग्नीट्यूड ये किसके अंदर है, इन मैग्नीट्यूड, और बस वही जो है वन इजिकल टू माइनस ये वेक्टर फॉर्म, नीचे वाला किसके अंदर है वेक्टर फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर बस आपको यही करना था, अगर दो पैरेलल करंट का एक कंडक्टर है, एक सेम डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है, एक में क्या हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो सेम डायरेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब कंडक्टिंग फोर्स होगा उनके बीच में, और अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा रिपेलेंस होगा। अरे देखिए टोटल फोर्स निकाल रहे हैं, टोटल फोर्स नोट पर लिखना चलो भाई जी, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स ऑन, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर इज, कितना फोर्स हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ डैश इनटू एल, और एफ डैश का मतलब होता है म्यू नोट आई वन आई टू अपॉन में टू पाई आर, यानी फोर्स मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू म्यू नोट आई वन आई टू अपॉन में टू पाई आर इनटू में एल, और एल ध्यान रखना कॉमन लेंथ होती है, एल इज इक्वल टू कॉमन लेंथ बिटवीन टू पैरेलल पैरेलल, ठीक है भाई, जैसे पैरेलल कंडक्टर्स, जैसे कि आपका पेपर में आ गया पर इट लेंथ निकाल, ठीक है, तो न्यूमेरिकल आ गया, तो मेरा टोटल फोर्स बताओ एक एक सेंटीमीटर का वायर, एक एक मीटर का वायर, तो एक सेंटीमीटर पे एक मीटर की वजह से कितना होगा, करते हैं ना, क्या लेंगे हम एक सेंटीमीटर लेंगे, अब एक मीटर वाले पे एक सेंटीमीटर की वजह से कितना होगा, तो एक को प्लस कर देंगे दूसरे को माइनस, तो कहने का मतलब दोनों के अंदर से हमें कौन सी लेंथ लेंगे, शॉर्ट लेंथ लेंगे, यानी कॉमन लेंथ लेंगे, कहने को लगे जैसे एक मीटर का है दूसरा दो मीटर का है, तो लेंथ क्या लेंगे एक मीटर लेंगे, ठीक है, एक में वो आपसे एक मीटर लॉन्ग है और एक एक मीटर का है फाइनाइट लेंथ है एक मीटर का है, तो एक मीटर यानी मतलब ये दोनों के बीच में जो कॉमन लेंथ है, कॉमन मीन जो शॉर्ट लेंथ है वो लेंथ इसके अंदर देते हैं, और उसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और ये किस मान जाएगा न्यूटन मान जाएगा, इसकी यूनिट क्या है न्यूटन, क्योंकि फोर्स है टोटल फोर्स है, फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ है, इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, और इसकी यूनिट क्या होती है दूसरे की यूनिट क्या होती है टोटल फोर्स यूनिट क्या होती है न्यूटन, ठीक है। तो ये अब इसी के अंदर एक चीज ऐसी डिफरेंट मान जाए, आप भाई एक एम्पियर को डिफाइन करो, कई बार आ जाते हैं एक एम्पियर को डिफाइन करो, तो एक एम्पियर को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब दो कंडक्टर हैं उनके बीच में फोर्स कितना होना चाहिए, उनके अंदर फोर्स होना चाहिए ऐसे कर देंगे एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टू आई वन आई टू अपॉन में फोर पाई आर, एफ इज इक्वल टू टू इंटू में टेन रेज टू माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर, यानी अट्रैक्टिव भी हो सकती है रिपेलेंस भी हो सकती है, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई इक्वल टू क्या होता है टेन रेज टू माइनस सेवन, इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, और उसके बाद में आर इज इक्वल टू क्या लेंगे, आर इज इक्वल टू क्या लेंगे वन मीटर, आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू वन मीटर, देन I is equal to plus minus 1 ampere. Yeah. This is definition of 1 ampere. ये किसकी डेफिनेशन है, एक एम्पियर की डेफिनेशन, तो कई बार पेपर पा जाते हैं अब डिफाइन वन एम्पियर, एक एम्पियर को डिफाइन करना कैसे करेंगे, इसको इंग्लिश में टर्न कर देना, व्हेन द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर इज 2 * 10 रेज़ टू माइनस 7 न्यूटन पर मीटर, डिपेंड्स वी अट्रैक्टिव एंड डिस्टेंस बिटवीन देन इज 1 मीटर, इन दैट कंडीशन करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर विल बी 1 एम्पीयर, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द 1 एम्पीयर, ठीक है भाई, थैंक्स।